वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज स्पाइसी एंड वेरी टेस्टी पास्ता बना रही हूँ। पास्ता बनाने के लिए आपको चाहिए एक बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया पत्ती कटी हुई और एक शिमला मिर्च लंबी कटी हुई और एक टमाटर की प्यूरी कर लेंगे हम। और हमने मैक्रोनी को धो के प्लेट में रख लिया है। अब हम आपको मसाले बताएंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा धनिया पाउडर और मैगी मसाला। एक बाउल ले लेंगे हम, उसमें हम पानी दे देंगे एक गिलास। अब उसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक चम्मच तेल, ऑलिव ऑयल। अब हम उसमें धुले हुए मैक्रोनिक डाल देंगे। तेल डालने से मैक्रोनिक चिपकते नहीं। अब इसको हिला लेंगे अच्छे से मैक्रोनिक को। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे। अब हम तेल को फैला लेंगे कढ़ाई में। अब इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, उसको हिला लेंगे। बारीक कटी हुई मिर्ची डाल लेंगे। अब उसको हिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हिलाएंगे। अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे, उसको हिलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब उसको हिलाएंगे। अब हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हिला लेंगे अच्छे से मसाले चिपके ना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। अब हम ने जो उबालने के लिए मैक्रोनिक डाली थी उसे देख लेंगे, वो गली की नहीं, अभी गली नहीं है थोड़ा और। अब हम कढ़ाई की ओर चलते हैं। अब इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। अब उसको हिला लेंगे। हमारे मैक्रोनिक को उबलने में 10 मिनट लगा। आप भी 10 मिनट तक ही मैक्रोनिक को उबालें। और हम मैक्रोनिक की तरफ देखते हैं, वो अच्छे से उबल चुकी है। अब हम सब्जियों की ओर आते हैं। अब इसमें हम एक पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे अच्छे से। पूरा डाल देंगे मैगी मसाला। आप चाहे तो पास्ता मसाला भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें उबले हुए मैक्रोनिक डालते जाएंगे। अब इसको अच्छे से हिलाएं। देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है मैक्रोनिक में। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से डाल देंगे। अब इसको हिलाएंगे अच्छे से। 5 मिनट तक ढक के इसे हमें कुक करना है अच्छे से। अब हम इसे खोल लेंगे ढक्कन को और हिलाएंगे।
अब हम इसे हिलाएंगे, देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है। अभी हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। एकदम स्पाइसी लग रही है, मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ रहा है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर, और शेयर और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।